नमस्कार, मैं हूं लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इशु क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश रेखाएं। यह अक्षांश रेखाएं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और यह क्लास 6 का चैप्टर 2 का है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लोब को। ये हमारा ग्लोब, हमारे ग्लोब में दो तरह की काल्पनिक रेखाएँ हैं, एक अक्षांश रेखा, एक देशांतर रेखा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखा के बारे में। तो हमारा अक्षांश रेखा कौन सा है, ग्लोब के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि ये जो आप काल्पनिक रेखाएं देख पा रहे हो, यही है हमारा अक्षांश रेखाएं। ये क्या हमारा अक्षांश रेखाएं। लेकिन हमारे ग्लोब में केवल अक्षांश रेखाएं ही नहीं है बल्कि देशांतर रेखाएँ भी हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो खींचा गया लाइन दिख रहा है, ये हमारा देशांतर रेखाएं हैं। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं अक्षांश रेखा के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक ग्लोब बना लेती हूँ। ये हमारा ग्लोब, हमारा पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से गोल नहीं है। जैसा कि हमने दिखाया अभी ग्लोब को, तो ग्लोब पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारा पृथ्वी जो पूरी तरह से गोल नहीं है। इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और साथ ही इसके मध्य में यानी बीचों बीच में क्या है, थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आता है। तो ये हमारा पृथ्वी जो पूरी तरह से गोल नहीं है। इसको आप अपने अपने पास ग्लोब में देख सकते हो, अपने घर में देख सकते हो, या फिर मैप के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। तो मैप से हमें पूरा क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब हम ग्लोब को देखेंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी जो है वो अपनी अक्ष पर घूमते रहती है और हमारे पृथ्वी पे बहुत सारे काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। इस तरह से आप देखते होंगे कि बहुत सारी रेखाएँ खींची गई हैं और इसके बीच में जो एक रेखा खींची गई है वह क्या हमारा विषुवत रेखा है। ये हमारा ग्लोब, ग्लोब के बीचों बीच जो एक काल्पनिक रेखाएँ खींची गई है यह क्या हमारा विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा को हम लोग जीरो डिग्री लाइंस भी कहते हैं और जीरो डिग्री से इसको हम लोग डिनोट भी करते हैं। विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रखा है। इससे अगर हम नॉर्थ की ओर जाएंगे तो हमारे नॉर्थ के जो भाग है वह क्या है हमारा उत्तरी गोलार्ध। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, पूरा नहीं लिख रही हूँ, लोग समझ सकते हो यहाँ गोलार्ध है। ये विषुवत रेखा से जो उत्तर की ओर है, उत्तर का जो भाग है वह क्या हमारा उत्तरी गोलार्ध है और साउथ यानी कि दक्षिण वाले भाग जो है यह हमारा क्या है दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमारा पृथ्वी को विषुवत रेखा दो बराबर भागों में बांटा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लिख देती हूँ दक्षिणी गोलार्ध, हमारा दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे फिर से ग्लोब बना लेती हूँ। यह हमारा जीरो डिग्री लाइन यानी विषुवत रेखा। इस जीरो डिग्री लाइन यानी विषुवत रेखा को हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं। यानी कि ये तो हम जानते हैं कि ये कोई रेखा नहीं है बल्कि यह एक वृत्त है, इसी को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। ये हमारा ग्लोब, उत्तरी गोलार्ध में जो हमारे जितने भी काल्पनिक रेखाएं हैं विषुवत रेखा से ऊपर जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं उत्तरी गोलार्ध में यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा। ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। और जीरो डिग्री लाइन से यानी कि विषुवत रेखा से साउथ की ओर जितने भी यानी दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है ये सभी क्या है हमारा
दक्षिणी अक्षांश रेखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पेज में बताती हूँ मैं। ये है हमारा ग्लोब और ये क्या है, 0° लाइन यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। हमारे पृथ्वी में, हमारे ग्लोब में कुल 181 काल्पनिक रेखाएं हैं यानी कि अक्षांश रेखाएं हैं। कुल कितने अक्षांश है? कुल 181 अक्षांश है। इसको हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। कुल कितने अक्षांश है? 181। कैसे है इस चीज़ को हम लोग जानेंगे और अक्षांश रेखाएं कितने हैं उसको भी जानेंगे। तो 0° लाइन से अगर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे यानी कि नॉर्थ की ओर, तो यहाँ हमारा 0° से यहाँ 1 से ले करके चले जाएंगे उत्तरी ध्रुव की तक। तो उत्तरी ध्रुव यहाँ हमारा 90 काल्पनिक रेखाएं हैं यानी ये कौन है, ये कोई रेखा नहीं है, कोई लाइन नहीं, बल्कि ये सर्कल है और यह कोण बनाता है, एंगल बनाता है। तो कितना हो गया? 90 एंगल। और इसी प्रकार से हम लोग जब विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध की ओर आएंगे तो ये इधर भी हमारा कितना है? 90 है। तो यहाँ हम 90 उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में 90, तो हमारा कितना हो गया? 80। अक्षांश रेखाएँ हमारा कितना, अक्षांश हमारा कितना हो गया, ये रेखाएं जो है ये हमारा हो गया 180, सॉरी अक्षांश रेखा नहीं, अक्षांश है ये 180। और इसके अलावा हमें यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये तो हमारा उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90, लेकिन हमने अभी तक इक्वेटर को नहीं ऐड किया है, विषुवत रेखा को ऐड नहीं किया है। तो जब हम विषुवत रेखा को 180 में ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 181। क्या हो जाए, कितना हो जाएगा हमारा? 181। तो ये हो गया हमारा अक्षांश यानी कि हमारे ग्लोब में कितने अक्षांश है? 181। और अगर हम देखेंगे तो हमारा ग्लोब में अक्षांश रेखाएं कितने, ये हमारा ग्लोब 0° लाइन, क्या देखना है हमें? अक्षांश रेखाएं। तो ये जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ 90° जहाँ पड़ रहा है और यह दक्षिणी ध्रुव में 90° पड़ रहा है, तो ये हमारा कोई लाइन नहीं है, ये हमारा क्या है, यहाँ कोण बनाता है जा करके, इसलिए इसको और इसको दोनों को हम माइनस कर देंगे यानी कि क्या करेंगे, 181 में अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? 179। यानी कि हमारे अक्षांश रेखाएं कितने हैं? 179। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है और थोड़ा सा ध्यान देना है कि अक्षांश रेखाएं अलग होते हैं और अक्षांश अलग होते हैं। जब अक्षांश पूछा जाए, जब अगर हमें अक्षांश पूछा जाए, ये हमारा अक्षांश है, ये अक्षांश, अक्षांश हमारा 181 है, लेकिन जब अक्षांश रेखाएं पूछा जाए, ये हमारा अक्षांश रेखाएं, ये हमारा अक्षांश रेखाएं, तो अक्षांश रेखाएं हमारी क्या है? 179 है। इसे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, ये है हमारा ग्लोब, ये 0° लाइन है, 0° लाइन। जब हम लोग 0° लाइन से उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो ये काल्पनिक रेखाएं जो है इस यह घटते जाता है यानी कम होते जाता है, देख सकते हो कि घटते जा रहा है। तो इसलिए हमारा विषुवत रेखा जो है सबसे लंबी काल्पनिक रेखाएं कौन सी है, ये हमारा विषुवत रेखा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कौन सी है, तो है हमारा विषुवत रेखा। बाकी सभी जो है ये धीरे धीरे जाते जाते उत्तरी ध्रुव की ओर जाते जाते यह घटते जाता है यानी कम होते जाता है।
आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा और देख लेंगे कि जब हमारा ये हमारा इक्वेटर हो गया, इसके अलावा इक्वेटर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के बाद ये उत्तरी ध्रुव, ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसके अलावा भी हमारे ग्लोब में, हमारे पृथ्वी में और चार काल्पनिक रेखाएं हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है हमारा, इसको आप ध्यान से देखेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ और साउथ को हम लोग हमेशा डिनोट करते रहेंगे, तो ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। ये हमारा क्या है, कर्क रेखा है, इसको ध्यान रखना है, ये क्या हमारा कर्क रेखा है। कर्क रेखा का नाम आप लोग सुने ही होंगे। और जब हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएंगे 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री साउथ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मकर रेखा, ये हमारा हो गया मकर रेखा। फिर जब हम यहाँ 23.5 डिग्री चले गए नॉर्थ में, 23.5 डिग्री साउथ भी आ गए, उसके बाद हमें क्या देखना है कि ये हमारा 66 यानी 66.5 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, और इधर भी 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है इसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। और ये जो 66.5 डिग्री साउथ है, सॉरी यहाँ साउथ है, साउथ लिखा हुआ है, उठा देती हूँ, साउथ है, तो 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग क्या कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। इसे भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग कहते हैं मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक को, सॉरी 66.5 डिग्री साउथ को हम लोग अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। ये हो गया, और थोड़ा सा बता देती हूँ, ये हमारा ग्लोब, ये हमारा पृथ्वी, ये हमारा 0 डिग्री लाइन, ये हमारा कर्क रेखा, मकर रेखा। जहाँ कहीं भी कर्क रेखा का नाम लिया गया, यानी समझ जाइए कि वहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और जब भी मकर रेखा का बात की जाए तो वहाँ समझ जाइए कि वहाँ 23.5 डिग्री साउथ है। तो ये है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा, यानी कि क्या है हमारा, कर्क रेखा। तो 21 जून को हमें याद रखना है कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की रोशनी पूरा लंबवत पड़ता है, यानी कि यहाँ पे कहाँ पड़ता है, कर्क रेखा में। तो उस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि पूरा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब, 21 जून को। और जब दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मकर रेखा में सूर्य लंबवत पड़ता है, यानी कि मकर रेखा में सूर्य का रोशनी पूरा लंबवत पड़ता है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब, 22 दिसंबर को। इस चीज़ को याद रखना है, 22 दिसंबर, यहाँ 21 जून। क्या है, फिर से समझा देती हूँ और एक बार, कि 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा पे जब सूर्य का
सूर्य का प्रकाश एकदम पूरा लंबवत पड़ता है, तो उस समय 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में यानी कि इस क्षेत्र में पूरा 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और उसी प्रकार से जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद और थोड़ा सा बताऊंगी, ये हमारा पृथ्वी, ये है 0° लाइन। 0° लाइन यानी कि जितने भी काल्पनिक रेखाएं हैं पृथ्वी पे, उन काल्पनिक रेखाओं के बीच में कितने किलोमीटर का दूरी है, तो ये हमारा हो गया 0°। जब हम 0° से 1° जाएंगे, यानी मान लेते हैं कि हमारा 1° है, 1° पे गए, तो 0° से 1° तक का दूरी कितना है हमारा, 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोग साउथ में आएंगे 0° से 1° की ओर, तो हमारा कितना किलोमीटर का दूरी होगा, 111 किलोमीटर की दूरी होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इसे आप लोग रीड कर सकते हो अच्छे से। आई होप समझ में आया होगा। कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।